प्रथम लड़ा श्री गुरु वंदन कर श्री हरिदास विपुल प्रेम निज नैन बह कह सोजस बिहार गुरु सेवत गोविंद मिलो और गुरु गोविंद दाहिं आर श्री बिहारी दास हरिदास को जे बत है मुख चा बिगड़ी न संभार कै मेरी कुंज बिहार न बार और न ऐ सो कर सके अवनन को प्रतिपा अनंत जन्म की भूल को छिन में डार खो श्री कुंज बिहार तिन लाड़ ले तुम ते सब कछु हो मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान नदी जो जगत में परसों पर सुख दान जो बिगड़े गिरावरी होए भगत उपहास ताते तुम सो कहत हो ऐच आपने छुड़ा समाज देह भरपूर बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लड़ ले तू सब त्योहार श्री बिहारी दास को अवना अनगत तुम्र चरण कमल श्री बिहारी दास को अब ना आनगत तुम रे चरण कमल मो माँ लड़ी जी महाराज की जय स्वामी जी महाराज की जय वृंदावन चंद्र जी की जय समस्त आचार्य वृंदन की जय गुरु जी महाराज के जय जय श्याम कुंज बिहारे श्री हरिदास श्री स्वामी भगवत सिखदेव जी महाराज हम आश्रितजनों को समझाते हुए अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार से समझा रहे हैं। कल के वचन में कल के सत्संग में आपने श्रवण किया था सुन भगवत में कल पर है कैसे धरिए जी अपनी अधमता को मान ले
क्योंकि हरि की माया से डरपत रहे। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज वचन का सिद्धांत में भी लाए हैं कि यदि हरि को प्राप्त करना है, हरि को अपने अंग संग करना है और हमको उनके पास पहुंचना है, तो सबसे पहली बात कि हरि की माया से डरपत रहे, कभी अहंकार ना करे कि मैंने तो माया को जीत ली है। महाराज चाहे कितने भी हमने पूरी इंद्रियों को जीत लिया हो, सब कुछ कर लिया हमने, बहुत ज़्यादा पूरी इंद्रियों को जीत लिया, मन को भी अपने बस में कर लिया, लेकिन ये सब भी हो जाता है। ठाकुर की कृपा होती है, स्वामी जी की कृपा हो तो ये सब भी हो जाता है, लेकिन इसके बाद की जो बात आती है वो बहुत बड़ी बात है। सुत दारा आगाढ़ बंद तज साध सिंधु तर आयो, गोपद सिंधु देहा अभिमानी बूढ़त खोज न पाए। महाराज अपने इंद्रियों को भी बस में कर लेते हैं, हमने अपने मन को भी नियंत्रण कर लिया ये सारा कार्य करने के बाद में अभी, और गए तो कहाँ पे गए, तिमिर गयो रविदेख के मोह गयो गुरु ज्ञान और कियो करायो सब गयो, जब आयो अभिमान, जब हमारे अंदर अभिमान आ गया कि बताओ हमने पूरा घर छोड़ दिया, हम संसार को छोड़ के आ गए, हम वन में आके तपस्या कर रहे हैं, चाहे अकेले हैं चाहे दुकेले हैं, हम वन में आ गए यहाँ पे आके तपस्या कर रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं जहाँ पे अहंकार आया तो सब गुण माटे होएगा ये थोते अभिमान। महाराज किसी भी विद्या में लगा लो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे संगीत की ही विद्या हो, यदि संगीत का कोई अच्छा जानकार है, यदि उसके पास नम्रता नहीं है, दीनता नहीं है उसके पास, तो वह संगीत उसके पास ज़्यादा टिक नहीं सकता है। यहाँ पे आचार्यों की बाणी लगा लो, सत्संग चाहे कोई व्यास है चाहे कोई भी हो, यदि अपना अहंकार कर लिया किसी भी लाइन में, हमने अहंकार कर लिया कि नहीं ये मैं कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा अच्छा गाता हूँ या कुछ भी, तो समझ लो कि धीरे धीरे करके जो ठाकुर जी हैं उसको सब छीन लेते हैं। इसीलिए कभी भी अहंकार ना करें। ऐसे हमारे सामने कई सारे प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो कि जिन्होंने जिस लाइन में अहंकार किया है उसी लाइन से वो अपने पद से अलग हट चुके हैं। तो इस प्रकार से इस बात की भी ठाकुर से हमको विनती करनी चाहिए कि अपनी ओर निहार निहारो नहीं आके गुण कि हे स्वामी जी महाराज, हे बिहारी जी महाराज, मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा अवगुण है, मुझ पे कोई इंद्रियों का भी वश नहीं होता, मैं अपने मन को नहीं अपने बस में कर रहा हूँ, कर पा रहा हूँ, और अभिमान भी मुझ में बहुत है, कूट कूट के अभिमान भरा हुआ है। महाराज यदि हमको पार लगाना है तो केवल आपकी कृपा से हम संसार से पार हो सकते हैं, संसार सागर से पार करने का एक यही उपाय है कि आप हमारे ऊपर कृपा करो। कल के वचन में श्रवण किया था कि महाराज ने श्री स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ए हरि मोसो न बिगारण को तो सोना समारण को मोहे तुहे पड़े हो, तो हमसे ज़्यादा बिगाड़ने वाला नहीं है और हरि से ज़्यादा सुधारने वाला नहीं है, हमेशा हमारे सुधारते हुए आए हैं। हम नित्य प्रति साखी में भी बोलते हैं कि बिगड़ी लाइन संभार के मेरी कुंज भी हारन बाल, और न ऐसो कर सके अपने इनको प्रतिपाल, अनंत जन्म की भूल को और छिन में डारे हुए श्री कुंज बिहारन लाली तुम ते सब कुछ। हमारी जन्म जन्मांतर की भूल करते आए हैं और अभी भी वही गलती कर रहे हैं। यदि हमको संतों के सान्निध्यता प्राप्त न हो, हरि का सत्संग ना मिले, तो हमारा उन गलतियों को अभी भी कर रहे हैं।
तो प्रिया जी से स्वामी जी महाराज से विनती करते रहो कि हे स्वामी जी महाराज, हे लाल लीजू, आप ही एकमात्र हमको अपनाए सको हो, या जीव की कछु सामर्थ ना है, ये तो काहू को बस ना है, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। और तो मिथ्या प्रपंच काहे को भासिए तो है हारन। महाराज जो कुछ भी हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है, काहू को बस ना है, तुम्हारी कृपा ते सब होए बिहारी बिहारी। और जाहे तुम सुने तावत्सो तुम हित करो सब सुख कारण। यदि बिहारी जी हमारे ऊपर हित ना करें तो हम उनको प्राप्त कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। स्वामी जी महाराज खुद चाहते हैं, जब खुद कृपा करते हैं इस जीव पर कि ये जी हमको चाहिए, तब जाके हम उनका भजन कर सकते हैं। क्योंकि प्रियालाल ही स्वामी जी महाराज ही ऐसा बानिक बनाते हैं इस जीव के साथ में कि महाराज दूर से भी कहीं पे ही रहता हो, चाहे कहीं पे भी रहता हो, लेकिन स्वामी जी को वो खींचना है अपने पास। तुम्हारा कहीं से भी बुला लेते हैं, दूर दूर से विदेशों तक यहाँ से आ जाते हैं वृंदावन में, और स्वामी जी की उपासना में दीक्षित होकर स्वामी जी के नित्य व्यवहार को प्राप्त करने के लिए अग्रसित होते हैं। तो स्वामी जी महाराज किस पे कैसे कृपा करते हैं कोई पता नहीं, ना जाने हरि कहा रुचि माने, काऊ सो श्रम कर बामे बहुत ही, काऊ की बात सहज ही माने। महाराज कह रहे हैं काऊ से तो बहुत ज़्यादा श्रम करवाते हैं लेकिन खुशी की बात बहुत जल्द ही बन जाती है। तो इस प्रकार स्वामी जी महाराज से, प्रियालाल से, बिहारी जी महाराज से हमेशा विनय करते रहो कि हे लाल लीजू, यदि आप ही कृपा करोगे तभी कुछ हो सकता है, मेरा कछु भी बलना है, मेरा कछु बलना है, आपकी ही कृपा से मैं आपको प्राप्त कर सकती हूँ। तो ऐसे यदि विनय करेंगे तुम्हारा, यदि झूठे को भी हम कहेंगे कि हे लाली जी मैं तो आपको हूँ, हे स्वामिनी जी मैं आपको हूँ और आप मेरी हो, आपके सिवाय मेरे कोई ना है, झूठे झूठे को भी इस बात को कहो, प्रियालाल हमारे सच्चे हैं, हम झूठे को कहेंगे वो हमें सच्चे बना देंगे। पर हम इतने ज़्यादा अहंकार में तो डूबे हुए हैं कि महाराज अरे हम काय को कहें, प्रियालाल को हम तो खुद ही है अच्छे हैं। जिस प्रकार से कि उनको अभिमान हो गया था, शंकर जी का अभिमान हो गया था, महाराज हम तो बड़ा कौन हैं, हमने ठाकुर की माया को जीत रखा है। तो अच्छा, ठाकुर ने उनका भी अपमान चूक किया। तो हरि की माया सुन डरपत रहे और अभिमान ना करे। अभिमान तज बज सुनो प्राणी, जन्म जन्म के श्रम मिटे, प्रकट ललिता रूप श्री हरदास निज नाम है। नूपुर के पद में श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज कहते हैं कि अभिमान तज बज सुनो प्राणी, अभिमान को परे करके, तज भज सुनो प्राणी, जब स्वामी जी महाराज के भजो और सुनो, जन्म जन्म के श्रम मिटे, जितने भी हमारे जन्म जन्मांतर के जो श्रम हैं वो नाश हो जाते हैं। प्रगट ललिता रूप श्री हरदास निज नाम ही रखते, और तब जाके श्री लालली जी, श्री स्वामी जी महाराज हमारे समक्ष प्रकट हो जाते हैं। बोलो स्वामी जी महाराज। तो जब स्वामी जी महाराज हमारे हृदय में प्रकट हो जाते हैं तो महाराज श्रृंग रूप हरदास जो हृदय गर्जे आए, हिरण रूप जीनी सब सहज गई। जब स्वामी जी महाराज इस हृदय में प्रवेश कर जाते हैं तो महाराज ना तो इस जीव के अंदर अहंकार रहता है, ना काम क्रोध मद मोह लोभ मत्सर सब के सब समाप्त हो जाते हैं। उसको संसार से भी कोई लेना देना नहीं है। संसार में रह रहा है, क्यों रह रहा है, वो फॉर्मेलिटी के लिए कि महाराज संसार को छोड़कर जाएंगे कहाँ। यदि बच्चों का भी पालन क्यों कर रहा है वो, कि केवल फॉर्मेलिटी, पर उसका जो मन है वो कहाँ है, केवल प्रियालाल के चरणों में।
उनसे निकल के कहीं जा ही नहीं रहा, तो तब जाके हरि प्राप्त होते हैं। स्वामी जी महाराज स्वयं कह देते हैं कि ये साधक मेरा है, और जब हमारे प्रियालाल स्वयं कह दें इस बात को ये मेरा है, तो समझ लो कि सच में ही हम उनके हैं और हम नित्य विहार को रस को प्राप्त कर ही लेंगे। हमसे नित्य विहार रस बिल्कुल भी दूर नहीं है, स्वामी जी महाराज बिल्कुल भी दूर नहीं है, हमारे अंग संग हैं। पर कब? जब हम अपने अहंकार को छोड़कर स्वामी जी महाराज से विनय करेंगे। जो नित्य प्रति साखी बोली जाती हैं, उन साखियों को बोलो कि कुंज बिहाइन लाली मेरी जीवन प्राण, ताही के सुख में सुखी मोय रसिक की आन, सहचर हुए बजो पलक पास क्यों तजो, संग बसे हो मान कोट नाथ, लोक और परलोक में सेहूं श्री अरदास, ज्यो राख्यों त्यों रहूंगो दास बिहारी। ये जो साखी हैं इनको नित प्रति बोलो, झूठे को बोल लो स्वामी जी महाराज हमको अपनाए लेंगे। तो अपनी ओर निहार निहारो नहीं आके गुण, रसिक राय सिर मौर श्रवंदे मम बिनती सुन। प्रियालाल से याचना करो कि हे लाल लीजू मेरी इस बिनती को आप सुन लो। जो हम जन्म जन्मांतर से संसार में भटकते हुए आ रहे हैं, संसार की यातनाएं भुगतते आ रहे हैं, नरकों की यातनाएं भुगतते आ रहे हैं, हे लाडली जू हे श्यामा जू आप ही एक अपनी कृपा करके हमको यह संसार सागर से बचा सको। जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे वो सुनेंगे नहीं क्या? आज के प्रसंग में महाराज कह रहे हैं प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बानी, द्वितीय आराधे भक्त दास नव भांति बकान, तृतीय करे गुरु समझ दक्ष सर्व के रसिलो, चौथे होए विरक्त बसे बन राज रसे, पांचे भूले देह सुधे छठे भावना रस के, साते पावे रीत रस श्री स्वामी हरि दास के, सात पावरित रस श्री स्वामी हरे। ये भक्ति में आरूढ़ होने के स्वामी जी महाराज को प्राप्त करने की ये सीढ़ियां स्तर बताए हैं। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत बाण, सर्वप्रथम हरि को प्राप्त करने के लिए स्वामी जी महाराज को प्राप्त करने के लिए पहली सीढ़ी ये है कि भागवत जी सुनो, भागवत जी सुनो। पर सुननी कैसे है? एकदम ध्यान लगा के चित्त लगा के हमको भागवत जी सुननी है। हमारा मन ज़्यादा जगह पे भागना नहीं चाहिए, जब भागवत जी हो रही हो कहीं सुनने जाएं एकमात्र केवल कथा पे हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए। और दूसरी बात कि हमने भागवत तो सुन रहे हैं लेकिन सुन कैसे मुख से रहे हैं, जो सुनाने वाले हैं वो कैसे हैं? आचार्य जन कहते हैं कर्मठ से भागवत सुनी और ज्ञानी गुड़ते लीनी दीक्षा, फिर तू रसिक अनन्य कावे सफल हो क्यों शिक्षा। कहाँ से ब्यारी जी महाराज प्राप्त हो जाएंगे? महाराज ने कहा प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, कर्मठ से नहीं सुननी है, क्योंकि भागवत जी एक ऐसा ग्रंथ है कि उसमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा आपको। यदि आप भक्ति लेना चाहें
तो भक्ति प्राप्त हो जाएंगे। यदि तुम कर्मकांड लेना चाहें तो भागवत से वो भी प्राप्त होती हैं, और भागवत जी से यदि तुम रस प्राप्त करना चाहें तो रास पंचाध्याय उसके लिए वो भी प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। तो भागवत जी सब कुछ प्रदान करती हैं, लेकिन जो लेने वाले लेते क्या हैं, और ज़्यादातर है जो बोलते क्या हैं, जो कथा सुनाने वाले हैं वो क्या बोलते हैं अधिकतर है कि हमारे जो ठाकुर के चरणों में मन नहीं लगा पाते हैं। वो कहाँ लगा देते हैं कि ठाकुर के चरणों में तो है जो है, लेकिन देवी देवताओं के चक्कर में फंसा देते हैं। तो हमारा याते तो कथा ना ही सुनो तो ही भलो। इससे तो महाराज कहते हैं नास्तिक सो संसारी भलो। श्री स्वामी महाराज, श्री स्वामी लल कृष्णदेव जी महाराज इस बात को कह रहे हैं कि या तो अगर देवी देवताओं में फंसे इससे बड़ा तो कुछ मत करो तो ही ठीक है। क्योंकि महाराज जिस जो कहीं पे भी लगा हुआ नहीं है, कहीं पे लगा हुआ नहीं है, उसको यदि रस स्वामी जी का रस बताएंगे तो वो समझ जाएगा। लेकिन महाराज जो देवी देवता में बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ है उसको यहाँ पे लाना, स्वामी जी की कृपा हो जाए तो वो तो बात अलग है। स्वामी जी महाराज तो महाराज किसी को भी कहीं से भी कैसे भी खींच लेते हैं, लेकिन अधिकतर जो साकत जो लोग होते हैं उनका सुधरना बहुत ही मुश्किल है। सुधरने को सुधर भी जाए स्वामी जी की कृपा हो जाए तो महाराज कह रहे हैं हमको यदि भागवत सुननी है तो कैसे मुख से सुननी है ये भी समझना है हमको, एकदम शुद्ध भक्त से जो कि हमको ठाकुर के चरणों में अनन्य प्रीति बताए। क्योंकि भागवत जी भी इसी बात को कह रही हैं, सारे धर्मों को पहले बता दिया कि इंद्र को पूजने से ये होता है, वायु को पूजने से ये होता है, सब जितने भी देव हैं सबको पूजने से ये होता है, और आखिर में क्या कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पित्र यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्जा यान्ति मध्या जिनोपिन, कि देवताओं को पूजने से ये देवता बनते हैं, भूतों को पूजने से तुम भूत बनोगे, पितरों के पूजने से पितृ बनोगे, यदि मुझे पूजोगे और देवताओं की गति क्या है वो सब आपको पहले ही पता है, और मुझे पूजोगे तो मेरा ही स्वरूप बनेंगे। आखिर में गीता जी के अंत में इसी बात को कह रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। भगवान कह रहे हैं कि केवल मुझ में ही मन लगाओ तुम, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। इससे पहले बहुत अच्छी बात और कही है कि हे अर्जुन तू मेरा बहुत ज़्यादा प्रिय सखा है, सर्वव्यत्न भूया शरण में परमम बचा, तू मेरा बहुत मेरा मित्र है, बहुत अच्छा सखा है तो तू और मेरा भक्त भी है, तुझे एक ऐसी बात बताता हूँ जो कि मैंने किसी को नहीं बताई है, ऐसी बात कि किसी को नहीं बताई है वो मैं तुझे बताने जा रहा हूँ। तब कहिए ये बात कि मन मना भग भक्तो, महाराज कह सकते थे कि सर देवी देवता ने पूछ लो, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इन सब को छोड़ दो, सर्वधर्मान प्रत्यज माम एकम शरणम व्रज, अनन्यास चिंतन्ते माया जना परपास्ते। तो ठाकुर ने अनन्यता के बारे में बहुत बोला है, पर जो बोलने वाले हैं बोलते क्या हैं, भागवत जी का सार अनन्यता है, पूरे भागवत जी का जो सार है वो अनन्यता है, लेकिन कथा करने वाले कोई भी अनन्यता नहीं बताते, अगर बता दें तो वही सच्चे कथा व्यास हैं। तो महाराज कह रहे हैं हमको भागवत जी सुननी है तो कैसे मुख से सुननी है जो कि ठाकुर के अनन्य भक्त हों, ठाकुर के अलावा जिनका मन और कहीं ना हो केवल ठाकुर में ही हो, ऐसे मुख से हमको भागवत सुननी है तब जाके हमारे हृदय में फलीभूत होगी। क्योंकि महाराज बताते हैं यदि ऐसा नहीं करते हैं तो उनकी जो टेक है वो क्या होती है, जैसे स्वामी जी के जो लोग होते हैं जो जब सत्संग करते हैं जो स्वामी जी के रसिक अनन्य हैं उनकी टेक होती है स्वामी जी के नाम पर, श्री अरदास नाम पर और स्वामी जी के अनन्यता पर, और उनकी जो टेक किस पर रहेगी,
जो कर्मठ लोग हैं उनकी कर्म कांड पर टेक रहेगी, उनकी जो टेक रहेगी वो रहेगी देवी देवताओं पर टेक रहेगी। महाराज पर क्या है, इसीलिए कह रहे हैं भागवत जी सुनिए तो भक्त के मुख से सुनो जो कि हरि के शुद्ध भक्त हों, तब जाके हमको हरि की जो दूसरी श्रेणी की जो बात है वो बाद में आएगी। पहले क्योंकि प्रथम भगत संतन कर संगा, सबसे पहली जो भक्ति है वो भी यही है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रीमद् भागवत जी में पहला जीव ने भी अपने पिताजी को यही बताया कि हे पिताजी सबसे पहली जो भक्ति वो श्रवण है, अच्छा श्रवण करेंगे हम, यदि हमने अच्छे अच्छे प्रवक्ता से अच्छे जो ठाकुर के प्रति अनन्य भाव है जिनका ऐसे और रसिकों से हमने जब यदि भागवत सुनी तो समझ लो हमारा जो भागवत सुनना सफल हो गया। और यदि ऐसे रसिक मिल जाएं, यदि अनन्य रसिक मिल और भागवत करने वाले मिल जाएं तो समझ लो कि हम ठाकुर को प्राप्त कर लेंगे और एकदम ध्यानपूर्वक उनकी कथा को सुनें तो हमको हरि की प्राप्ति बहुत जल्दी ही हो जाएगी। उसके बाद में फिर दूसरी श्रेणी आरंभ होती है, तो दूसरी श्रेणी की जो बात है वो हम कल के सत्संग में श्रवण करेंगे। आज का सत्संग इतना ही, बोलो बोलो बिहार जी महाराज की। सब सुख सागर रूप उजागर अंग संग प्रीतम प्यारे प्यारे अंग संग प्रीतम प्यारे प्यारे वृंदावन घन नवन कुंज में वृंदावन घन नवन कुंज में केल करत भुज जारी जारी केल करत भुज चारी बिहारी बिहार न दस लड़ावत बिहारी बिहार न दास लड़ावत जीवन पार मारे हमारे जीवन प्राण मारे हमारे मन मेरे भजल श्री कुंज बिहारे मन मेरे भजल श्री कुंज बिहारे। बिहारी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, वृंदावन चंद्र जू की जय, समस्त आचार्य वृंदन की जय, गुरुजी महाराज की जय, जय जय श्री श्याम कुंज बिहारी श्री हरि।